आज एक लड़का अपना पुराना स्कूल बैग कचरे में फेंकने जा रहा था। जब वह बैग को फेंकने के लिए जोर जोर से हाथ को घुमा रहा था, तभी वहाँ पे मैं जाता हूँ। मैं उससे पूछता भाई बैग का क्या कर रहा है। जब वो बोलता है कि मैं इसे फेंक रहा हूँ, तो मैं उस लड़के से बैग ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कूल बैग नहीं है और ये काफी अच्छा स्कूल बैग है। मैं इस बैग को लेकर अपने घर पे जा रहा था, तभी मैं रास्ते में सोचता हूँ कि बैग को खोल के देख लेते हैं, क्या पता उस लड़के का कोई सामान रह गया हो। अचानक से मुझे बैग के अंदर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। उस चीज को बाहर निकालने के बाद पता लगता है ये तो एक पर्ची है। मैं पर्ची को देख के काफी ज्यादा हैरान था। जैसे मैं पर्ची को ध्यान से देखता हूँ, मैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि एक नक्शा उसके अंदर बहुत सारी पतंगों तक पहुंचने का रास्ता दे रखा है। मैं बैग को वहीं पे छुपा कर निकल जाता हूँ पतंग ढूंढने। बड़ी पतंग तक पहुंचने से पहले छोटी पतंग ढूंढनी है, उसके बाद एक रॉकेट वाली पतंग ढूंढनी है, और लास्ट में हमें एक बहुत बड़ी पतंग मिल जाएगी। चलो ढूंढते बड़ी पतंग। थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे दोस्तों रास्ते में नक्शा बनी छोटी पतंग यहाँ पे मिल जाती है। मैं पतंग को लेता हूँ, आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं एक रॉकेट वाली पतंग ढूंढनी, चलो रॉकेट वाली पतंग ढूंढते हैं। मैं गार्डन में थोड़ा आगे चलता हूँ, तभी दोस्तों मुझे पेड़ के ऊपर नक्शा बनी रॉकेट वाली पतंग यहाँ पे मिल जाती है, और ये पतंग आसमान में काफी दूर तक जाएगी। मैं रॉकेट वाली पतंग लेके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों आखिर में बहुत बड़ी पतंग मिलने वाली, चलो ढूंढते बड़ी पतंग। अगर आपको भी मेरी तरह पतंग उड़ाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप एक पतंग से कितनी पतंग काट सकते हो मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली मुझे एक झाड़ी के ऊपर नक्शा बनी बहुत बड़ी पतंग यहाँ पे मिल जाती है, और इतनी बड़ी